गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन विद्या बाल भवन स्कूल से। आप सभी को याद है हम व्याकरण पुस्तक से पाठ दो वर्ण कर रहे हैं। इसकी पुनरावृत्ति भी हम दो बार ले चुके हैं और इसकी अभ्यास माला के प्रश्न उत्तरों को भी हम कर रहे हैं। बच्चों आज भी हम पाठ दो वर्ण की पुनरावृत्ति लेंगे और अभ्यास माला इसकी आज पूर्ण कर देंगे, ठीक है? और आपको गृह कार्य में भी अभ्यास माला पूरी याद करने के लिए मिलेगी। उसे आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। शब्दों को, मात्राओं को लिख लिख कर अभ्यास करिए और जब आपके विद्यालय खुलेंगे उस अभ्यास माला की फ़ोटो कॉपी करवा के आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना, ठीक है? देखिए वर्ण के बारे में अब आप सब कुछ जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, है ना? कोई भी शब्द, कोई भी भाषा बोलने के लिए हमें उसके शब्दों को बोलना पड़ता है और शब्द किससे बनते हैं? भाषा वर्णों से बनते हैं। तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों को दो भागों में बच्चों विभाजित किया गया है। आप मेरे प्रश्नों का आंसर देते रहिए साथ साथ। कौन कौन से हैं दो भाग? स्वर तथा व्यंजन। बताइए स्वर क्या होते हैं? स्वरों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है तब वे स्वर कहलाते हैं। जल्दी से बोलिए कौन कौन से स्वर होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ आ, ठीक है? ये क्या है? स्वर। अब स्वरों के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? इनके उच्चारण में कम समय लगता है। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? अ ई उ और री। अच्छा बताइए दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ और औ। अच्छा एक यह भी हमें जानना होगा कि भाषा के निरंतर विकास होते रहने पर ही भाषा जीवित रहती है और भाषा का विकास तभी होता है जब वह अन्य भाषाओं, बोलियों आदि के शब्दों को अपने में समाहित करती है। इसी गुण के कारण हमारी भाषा हिंदी निरंतर विकास की सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही है। जैसे अंग्रेजी का आ स्वर हिंदी ने अपना लिया है, बॉल, कॉफ़ी, हॉल आदि। आपको आ ध्वनि के बारे में मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। यह अंग्रेजी भाषा से आया है और इसको चंद्र आकार में लिख दिया जाता है। चंद्र बिंदु नहीं, ओनली चंद्र आकार में। देखिए अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु, अनुस्वार बिंदु के रूप में और विसर्ग का उच्चारण हम अहां के रूप में करते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। बच्चों ये छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान या एक वर्ड आंसर इन सब के रूप में आते हैं। तो आपको हर लाइन का मतलब भी समझना चाहिए और आपको वो याद भी होनी चाहिए। तो अयोग वाह कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है? अब देखिए सभी स्वरों के मात्रा और उनके चिन्ह। आपको मालूम है अ की कोई भी मात्रा नहीं होती और वर्णमाला में सभी व्यंजन अ से जुड़े होते हैं, ठीक है? जब व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं लगती हैं तो उनका रूप ये हो जाता है, ठीक है? ये देखिए, समझ में आ गया आपको? तो व्यंजनों के साथ मात्रा जुड़ी होती है। अब यहाँ देखिए अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और औ भी व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में
प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं स्वरों के साथ साथ? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और औं। यहाँ पर आपको देखिए उदाहरण भी दिखाया गया है। देखिए अंग अनुस्वार जो है व्यंजन के ऊपर लगता है, इसी प्रकार से अनुनासिक भी व्यंजन के ऊपर, लेकिन विसर्ग व्यंजन के बाद और औं व्यंजन के बाद लगता है। अच्छा, आपने हलंत के बारे में भी ध्यान से सुना था, क के नीचे लगा चिन्ह हलंत है, इसका अर्थ है कि यह अरहित है। अरहित यानी कि स्वर हटा दिया गया है। क ख आदि व्यंजनों का अर्थ है कि ये क जमा अ, ख जमा आ है। अभी बताया था ना आपको कि वर्णमाला के सभी व्यंजनों के साथ अ ध्वनि जुड़ी हुई है, अर्थात असहित है। हिंदी की वर्णमाला असहित ही बोली जाती है, जैसे क ख ग घ ण। अच्छा, आप देखिए र में उ और उ की मात्रा नीचे नहीं मध्य में लगती है। बाकी व्यंजनों में क्या होता है, उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, केवल र में उ की मात्रा मध्य में लगती है। स्वर पढ़ लिए, अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। देखिए स्वरों का उच्चारण तो बिना किसी की सहायता के होता है, बिना किसी रुकावट के होता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखिए आपको व्यंजन लिखे दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे लाल रंग से ड और ढ भी दिए गए हैं। ये ड और ढ में ही बिंदु लगा के बना दिए गए हैं। अक्ष, त्रिश्ल, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। अभी इनके बारे हम पढ़ते हैं नीचे। देखिए आ औ की तरह ज और फ भी आगत ध्वनियाँ हैं और ये अरबी फारसी से ली गई हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो व्यंजनों को आपस में जोड़कर या तो एक व्यंजन बना दिया जाए या अलग अलग उनको लिखा जाता है एक साथ पर। देखिए हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। देखिए क्ष कैसे बना, क और श को जोड़कर, त्र तारा, श्र शर, ज्ञ जाया। ठीक है, जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन अरहित होता है जबकि दूसरा व्यंजन अ या किसी अन्य स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन जो होगा वो स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। ठीक है, अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, दो एक समान समान व्यंजन होते हैं, वे एक साथ आते हैं जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित, लेकिन दोनों होते हैं एक जैसे। देखिए जब दो समान व्यंजन इस प्रकार जुड़ें कि उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिग्गज, रस्सी, गोरिल्ला, कद्दू, गद्दा। अब है र के चार रूप। आपने पढ़ा ही है पहले भी कि र को हम अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर पाते हैं। सबसे पहला रूप तो यही होता है कि वह वर्ण है, व्यंजन है, तो वह किसी भी शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जब र स्वर रहित र दूसरे वर्ण से जुड़ता है तो उसकी क्लास स्वर रहित अन्य वर्ण जब र में जुड़ता है तब रा उसके नीचे आ जाता है,
और इसे हम क्या कहते हैं, र का पदेन रू। ठीक है, वर्ण विच्छेद क्या होता है, जब शब्द में आए सभी वर्णों को क्रमानुसार अलग अलग किया जाता है। एक आसान भाषा में स्वरों और व्यंजनों को क्रम के अनुसार अलग कर दिया जाता है, तब वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इस पाठ में पढ़ा था शब्दों का शुद्ध लेखन। जब तक शुद्ध लेखन नहीं होगा, शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, तब तक आपका भाषा शुद्ध नहीं बनेगी। तो उनका उच्चारण भी शुद्ध और लेखन भी शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे जिन्हें हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो इस पाठ में आपने बच्चों सीखा था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। व्यंजन के उच्चारण में हवा मुंह में टकराकर बाहर आती है, और शब्द में शामिल सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसमें हमने बोलिए कर लिया था कि वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, है ना, किस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाया था आपने, ये सारे प्रश्न हम कर लिए थे। अब आज के आगे के अभ्यास वाला हम करते हैं। ठीक है, देखिए क्लास, हम ये सब कर चुके हैं। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सही या गलत का निशान लगा चुके हैं आप, इनसे तीन तीन शब्द बनाओ, क्ष त्र ज्ञ श्र, आपने इन सभी से शब्द बनाए, और घर में मैंने आपसे कहा था अन्य शब्दों का भी आप अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न था र में उ और उ की मात्रा लगाकर चार चार शब्द बनाए, वह भी आपने बनाए। उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द बनाओ, वह भी आपने कर लिया है। फिर था कि र के विभिन्न रूपों के शब्द आपको बनाने थे, वह भी आपने कर लिए। आज आप देख रहे हैं अगला प्रश्न, शब्दों को उचित स्थान पर लिखो। ठीक है, शब्द आपको यहाँ पे लाल रंग से मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें हमने संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन में अलग अलग किया है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जहाँ पर दो व्यंजन मिलते हैं, पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। देखिए कक्षा क्ष इसमें संयुक्त व्यंजन में है, रक्त में क त, आज्ञा में ज्ञ, स्थान में स्थ, बुद्धि में द ध, श्रवण में श्र, त्याग में त्य य, और ज्ञानी में ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। और द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, द्वित्व व्यंजन में एक जैसा ही वर्ण होता है लेकिन वह दो बार प्रयोग होता है, जैसे कि लस्सी रद्दी चम्मच दिग्गज, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों आपका वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद करना आपको अब अच्छे से आ गया है, आपको स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना है। देखिए यहाँ पे तरबूज का वर्ण विच्छेद दिया है, त अ त, र अ र, ब उ बु, ज अ अ, ज अ ज, तरबूज। इसी प्रकार से शुद्ध का, अंगूर का, रुमाल, ऋचा। ठीक है, अब आपका है प्रश्न 8, नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। देखिए जन्म अशुद्ध रूप है लेकिन जन्म शुद्ध है, प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी, कृपा नहीं होती है कृपा, कवि नहीं कवि, क्षमा नहीं क्षमा। ठीक है, पता लगाइए कि शब्द कोश का क्रम क्या है, यह आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था पता लगाने के लिए। आप इसका पता लगाइए कि हिंदी शब्द कोश को देखते हुए क्या क्रम होता है, जैसे इंग्लिश में तो ABCD से स्टार्ट होता है पूरा, हिंदी में किस से स्टार्ट होता है। ठीक है, आज आपका पार्ट 2 पूरा हुआ है, अब अगली वीडियो में हम अगला लेसन करेंगे। ठीक है क्लास, आपको ये सब कुछ याद करना है।